और आपके कर्मचारी ऐसी भी धमकी देते हैं बार बार कि जैसे कि आप क्या कहते एक एक कॉम्प्लेक्स में अगर एक एक रूम की अगर लाइन नहीं क्या कहते बिजली नहीं पट बिजली बिल नहीं पटता है तो पूरे कॉम्प्लेक्स की लाइन काट देगी। इस पे क्या बोलने का मतलब है नहीं आपका? क्या है कि हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं आप। आपके कर्मचारी लोग ऐसी धमकी देते हैं कि धमकी अगर नहीं देते, नहीं धमकी सर नहीं मेरे पास देते, वीडियो है आप बोलते हो तो मैं वीडियो लाइन दिखा दूँ। काटने का नहीं बोलते हाँ हैं उनसे। सर उसको धमकी बोला जाता सर नहीं, लाइन एकदम काटने का गुस्से गुस्सा बोलना, बवाल में सुनिए, बोलना लाइन सर। काटने का बोलना धमकी नहीं है। नहीं सर अगर बकाया राशि हाँ पे तो लाइन काट रहे धमकी हैं एक उसको आप धमकी के रूप में नहीं ना सर ले, वो सर धमकी नहीं है। सर पूरे कॉम्प एक रूम कॉम्प्लेक्स में अगर एक रूम की अगर लाइन नहीं किसके क्या नाम पे बिजली कनेक्शन बिजली है? एक मिनट सर मेरे पहले जवाब दो। हाँ। अगर कॉम्प्लेक्स में अगर एक रूम की अगर क्या एक रूम का अगर रेंट नहीं बढ़ता है ना बिजली बिल नहीं बढ़ता है तो पूरे कॉम्प्लेक्स की लाइन काट देगी। आपके कर्मचारी लोग धमकी देते हैं सारे कनेक्शन सब किसके अलग अलग नाम पे नाम हैं, से किसके नाम पे हैं? सचिन भीमराव रोहित कर के नाम से कोई भीमराव रोहित कर के नाम सरपंच के से नाम है से है क्या? नहीं नहीं हाँ, नहीं एक ही नाम पे पर्सनली कॉम्प्लेक्स कनेक्शन है है, वो एक ही नाम पे कनेक्शन है, नहीं नहीं एक अलग ही नाम पे सारे कनेक्शन नहीं है, नहीं अलग अलग नाम से एक ही नाम पे। किसके किसके नाम सचिन पे? भीमराव रोहित कर के नाम से भीमराव रोहित कर के नाम से किसका बाकी था बिल भूषण जो लोहित कर के किसके नाम नाम का से बिल सचिन बाकी था? भीमराव आप रोहित कर के नाम का बिल बाकी अपनी था। शिकायत लिखित में दीजिए, मैं उसकी जांच सर करूंगा। आप भी मुझे लिखित में दीजिए एक कि अगर आपकी कर्मचारी कॉल अगर नहीं उठाते हैं तो हाँ उसकी क्या कहते उसके नहीं, बदले कहाँ आपको कॉल करना सुनिए, है? कर्मचारी के पास नहीं, शिकायत आपको यहाँ कॉल सेंटर में दर्ज कॉल करनी है। सेंटर में कल सर मेरी 1 बजे की शिकायत है आप नहीं चेक कर तो सकते हो। एक अभी तक बजे कोई कार्रवाई नहीं है अभी भी 1 बज रहे आप हैं। अभी 12 बजे बोल रहे थे, अब आप 1 बजे बोल रहे 12 से 1 हो। बोला हूँ सर आप चेक कर 12 लो एक बार। बोला पहले, 12 और 1 मेरी बात दोनों बोला सुनो, हूँ सर मैंने 1 बजे अगर आपने शिकायत दर्ज की है तो सुबह कल जो पहले दिन की शिकायत रहती है वो स्टाफ लेकर चला जाता है हमारा अटेंड करने नहीं के नहीं सर लिए, मेरा बोलने सुन मतलब लीजिए, उसको हाँ अटेंड करने के लिए चला जाता है, और अगर शाम को जल्दी आ गया तो अटेंड होती है, नहीं तो दूसरे दिन अटेंड होती नहीं नहीं है। सर मेरा बोलने का मतलब ये है जैसे कि अगर आपके कर्मचारी और आप कॉल नहीं उठा रहे अगर गांव में कुछ अनहोनी हो रही सब है उठाते तो हैं, नहीं सर मेरे पास सुनिए, मैंने अगर कल आपको 14 कॉल किया आपके कर्मचारी को एक आपके 13 पास कॉल कोई किया और एक इमरजेंसी कर्मचारी है, को सुनिए, आपको 13 आपके कॉल पास किया। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप सब स्टेशन पे आके बोल सकते हैं, तो वो संबंधित स्टाफ को बुला के काम कराएगा और कराता सर है। ये बताइए कि संडे के दिन छुट्टी खाली की है? संडे की जो छुट्टी है, कैलेंडर है, आप देख लीजिए। संडे के दिन सरकारी कर्मचारी को छुट्टी होती है हाँ छुट्टी होती विद्युत है, कर्मचारी को? ये क्या है, नहीं सर विद्युत कर्मचारी को संडे के दिन छुट्टी होती है सबको छुट्टी होती है, विद्युत सरकार ने कर्मचारी डिक्लेयर को करके रखी विद्युत है। कर्मचारी को। ऑफिस बंद था कि नहीं संडे को, कल जब आप आए कल थे सर ये ऑफिस बंद था लेकिन वो हेल्पलाइन नंबर वाला चालू था। तो उसका मतलब क्या हुआ, ऑफिस बंद होने का क्या मतलब हुआ? संडे को छुट्टी है तभी नहीं तो नहीं ऑफिस सर बंद है नहीं ना। आप इतना बता दीजिए संडे के दिन छुट्टी होती है ना? आपकी, सुनिए, आपकी जो भी समस्या है उसको लिख के दे दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए ठीक सर आप भी लिखित में दे दीजिएगा एक ये हम